मुस्तफ़ा अली वर्सेस जिंदरवाल, चलिए देखते हैं कि आखिर दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन है और किसने WWE में ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उनके नाम से मुस्तफ़ा अली का असली नाम अदिल आलम और वही जिंदर महल का असली नाम युवराज सिंह देसी। मुस्तफ़ा अली का जन्म हुआ था 28 मार्च 1986 को और जिंदर महल का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1986 को। मुस्तफ़ा अली की एज 37 साल और वहीं जिंदर महल की भी एज 37 साल। मुस्तफ़ा अली की नेशनलिटी अमेरिकन और वहीं जिंदर महल की नेशनलिटी कैनेडियन। तो चलिए बात करते हैं इनके रेसलिंग करियर। मुस्तफ़ा अली ने अपना पहला रेसलिंग डेब्यू 2 फरवरी 2003 में किया था और वहीं जिंदर महल ने अपना रेसलिंग डेब्यू 5 नवम्बर 1999 में किया था। मुस्तफ़ा अली अभी तक 621 मैच खेल चुके हैं और 280 मैच विन कर चुके हैं। जिंदर महल 1082 मैच खेल चुके हैं और वहीं 277 मैच विन कर चुके हैं। चैंपियनशिप की बात करें तो मुस्तफ़ा अली अलग अलग रेसलिंग कंपनी से 7 चैंपियनशिप जीत चुके हैं और जिंदर महल 11। अभी के दौर में मुस्तफ़ा अली की नेटवर्थ है $2 मिलियन और जिंदर महल की नेटवर्थ है $1 मिलियन। इनकम की बात करें तो मुस्तफ़ा अली की ईयरली इनकम $200 मिलियन और जिंदर महल की ईयरली इनकम $100 मिलियन। इनके घर की बात करें तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इनका सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के बारे में। मुस्तफ़ा अली के ट्विटर अकाउंट पर 3,75,000 फॉलोअर्स हैं और वहीं जिंदर महल के ट्विटर अकाउंट पर 2,44,000 फॉलोअर्स हैं। मुस्तफ़ा अली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 9,26,000 फॉलोअर्स हैं और वहीं जिंदर महल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6,38,000 फॉलोअर्स हैं। मुस्तफ़ा अली के फेसबुक पेज पर 9,19,000 फॉलोअर्स हैं और वहीं जिंदर महल के फेसबुक पेज पर 5,45,000 फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, इस हिसाब से मुस्तफ़ा अली जिंदर महल से फैन फॉलोइंग में, WWE इनकम में और भी रेसलिंग करने के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिंदर महल WWE में WWE चैंपियनशिप जीत चुके हैं और मुस्तफ़ा अली रिट्रीब्यूशन के लीडर बन चुके हैं। तो दोनों ही रेसलर बेस्ट है। आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगता है कॉमेंट में ज़रूर बताएं।